Greetings to everyone and welcome back, dosto. So yet another true and false question. This time again, I'm taking this from the latest RTP. So RTP ka jo question number K hai, true and false ka, isse dekhte hain hum log. Bada mazedar sa question hai. Debenture interest is payable after the payment of preference dividend, but before the payment of equity dividend. मतलब यहां पर इनका यह कहना है कि डिबेंचर होल्डर्स को जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद देते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के पहले देते हैं. ट्रू और फॉल्स? ठीक है, सो आराम से. सबसे पहली बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात की जाए या इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात की जाए, दोनों तो शेयर होल्डर्स ही है ना, बोथ आर ओनर्स. गेटिंग मी? जहां तक डिबेंचर्स की बात की जाए तो डिबेंचर होल्डर्स आर लेंडर्स, ये हमें लोन दे रहे हैं. डिबेंचर इज नथिंग बट लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट हम लेंडर्स को प्रायोरिटी देते हैं ओवर एनी ओनर. शेयर होल्डर्स के पहले प्रायोरिटी किसे दिया जाता है? लेंडर को. इसलिए प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा इन डिबेंचर होल्डर्स को. उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से सरकार को टैक्स देंगे. उसके बाद जो बचा वो पैसे में से डिविडेंड दिया जाएगा. हाँ, डिविडेंड में प्रायोरिटी जरूर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलता है, फिर बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो व्हाट इज आंसर? इट्स फॉल्स. डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी डिविडेंड. ठीक है,